वेलकम बैक टू एसजी रेसिपी गैलरी। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है बादाम मिल्क। जी हाँ, ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है और आप इसको आराम से ही घर पे बना सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो के बीच में मैं आपके साथ काफी सारी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसका यूज करके आप लोग भी घर पे एकदम परफेक्ट बाजार जैसा बादाम मिल्क बना पाएंगे। बादाम मिल्क बनाने के लिए हमें चाहिए 18 से 20 भीगे हुए बादाम। बादाम को हमें 5 से 6 घंटा भिगो के रखना है या फिर हम रात भर भी भिगो के रख सकते हैं। 2 कप दूध, 8 से 10 इलायची, 4-5 केसर के स्ट्रिंग्स, 1.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, थोड़े से काजू पिस्ता गार्निशिंग के लिए। साथ ही साथ हमें चाहिए 3 बड़े चम्मच चीनी। ये देखिए, हम हमारे भीगे हुए बादाम को इस तरह से छील लेंगे। ये देखिए, हमारे बादाम कितनी आसानी से छिल रहे हैं। अच्छे से भीगे हुए होने के कारण हमारे बादाम की स्किन बहुत अच्छे से निकल जा रही है। इसी तरह से हम हमारे बाकी के बादाम को भी छील लेंगे। ये देखिए, हमने हमारे सभी बादाम को छील लिया है। अब हम एक मिक्सर लेंगे और उसमें हमारे छिले हुए बादाम को डाल देंगे। इसमें हम 2 चम्मच दूध डाल के इसको अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए, हमने बादाम को पीस के उसका एकदम बारीक पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। अब हम एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेंगे और उसमें 1.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और इसको हम बहुत अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। हमें सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। ये देखिए, हमारा कस्टर्ड मिल्क बिल्कुल तैयार हो चुका है। बादाम मिल्क बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करके उसमें एक पैन गरम होने के लिए रख देंगे। पैन में हम दूध डाल देंगे। और दूध को हम बॉईल होने देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे दूध में बॉईल आ गया है। अब हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे। और हम हमारे दूध को अच्छे से चलाते हुए लो फ्लेम पे इसको पकने देंगे। बीच बीच में हम हमारे दूध को अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। अब इसमें हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच चीनी, साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे ये बादाम का पेस्ट और हम हमारे दूध को बहुत अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। हमें हमारे दूध को कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है। अब हम दूध को इसी तरह से चलाते हुए थोड़ी देर गाढ़ा होने देंगे। हमें दूध और बादाम को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, धीरे धीरे हमारा दूध गाढ़ा होने लगा है। हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 4-5 केसर के स्ट्रिंग। इन सभी चीजों को हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब हम हमारे बादाम मिल्क में बिल्कुल बाजार जैसा फ्लेवर लाने के लिए इसमें हम डालेंगे ये कस्टर्ड पाउडर वाला मिल्क। और इसको भी हम अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर हम हमारे दूध को पकने देंगे। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े और ये अच्छे से गाढ़ा हो जाए। ये देखिए, 5 से 7 मिनट कुक होने के बाद हमारा मिल्क काफी गाढ़ा हो गया है। हमें इसी कंसिस्टेंसी का दूध चाहिए।
अब हम गैस को बंद कर देंगे और हमारे इस बादाम मिल्क को हम ठंडा होने देंगे। जब हमारा ये बादाम मिल्क थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब हम हमारे बादाम मिल्क को फ्रिज में रख देंगे और इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। 2-3 घंटे फ्रिज में रखने के बाद हम इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। ये देखिए 2-3 घंटे फ्रिज में रखने के बाद हमारा बादाम मिल्क एकदम चिल्ड हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे। सबसे पहले हम एक ग्लास लेंगे और उसमें हमारे बादाम मिल्क को पोर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। गार्निशिंग के लिए हम इसके ऊपर थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ते को डाल देंगे, थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम डालेंगे, केसर की एक स्ट्रिंग भी रख देंगे और ये हमारा बादाम मिल्क बिल्कुल तैयार है। हमारा बादाम मिल्क बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल बाजार जैसा बना है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।